ये फ्रीज मैन स्टैचू मैन ये मूव नहीं करेगा, मुझे लग रहा सांस भी नहीं ले रहा दिखा ये तो सही, सांस भी रोक रखे थे तो बेसिकली हम लोग घर से निकल चुके हैं, अपने सैम भाई हैं और हम ये दो दिन का ट्रिप है और न्यू ऑरलियंस में बहुत सारे एडवेंचर होने वाला है। बेसिकली न्यू ऑरलियंस में बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मैं जाता रहता हूँ और मुझे सबसे अच्छी सिटी लगती है, बिल्कुल फ्रीडम है, बाहर बाहर से काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते हैं, नए नए लोगों से मिलते हो, क्लबिंग करते हो, आप पार्क में जाते हो, आप अच्छा खाना खाते हो, तो बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा आने वाले दो दिनों के अंदर। बाकी अभी हम लोग हाईवे पे चढ़ेंगे। और यहाँ पर एक चेक इन, मैं ऑलरेडी चेक इन कर चुका हूँ। यार मैं कूल मैन, कूल यू लुकिंग कूल मैन। इसको कहते हैं मिसी जीपी रिवर, ठीक है। और भी यहाँ पे खड़ी हुई है और हमने कैफे तक मुंडे जाना है, तो कैफे तक मुंडे पड़ेगा उस तरफ, मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी जो लाइन है ये कैफे द मुंडे में जाने की लाइन है, ये सब लोग कैफे द मुंडे में जाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं क्योंकि कॉफ़ी और बिगनेट्स खाने के लिए जो यहाँ का मशहूर है, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है, ठीक है, ये सभी लोग। लेकिन हम भी लाइन में लगे थे, लेकिन इतनी लंबी लाइन में लगना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी अगर हमने यहाँ पर लाइन में लग के कॉफ़ी पीने की कोशिश करी तो। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो चर्च है मेरे सामने, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और अभी हमने चर्च का दौरा कर लिया है। बिगनेट में हम जा नहीं सके, कैफे द मुंडे में हम जा नहीं सके क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कुछ खा नहीं सकते, इतनी लंबी लाइन है कि 2 से 3 घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से। और 2-3 घंटे का मतलब है कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको पीछे छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे लोग डिज़ाइन करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने लगे। We'll be right back.
ये देखो ये फ्रीज मैन स्टैचू मैन ये मूव नहीं करेगा, मुझे लग रहा सांस भी नहीं ले रहा दिखा, ये तो सही सांस भी रोक रखे थे तो भाई ये तो हिली ना हम तो वैसे हिल रहे खड़े खड़े ही बंदा बिल्कुल नहीं मूव कर रहा, सांस भी नहीं ले रहा, हम होते तो पेट पहले हिलता छाती ऊपर फिर नीचे तक, लेकिन अप्रिशिएट है इस बंदे को। सुबह तो कुछ नहीं मिला, बहुत तक घूम लेगी थी क्योंकि जहाँ भी जा रहे थे हम लोग वहाँ भीड़ ही भीड़, इतनी भीड़ थी इसमें थोड़ा सा खाली हमें को लगा, और उसमें आपका गायरो है, बर्गर से फ्लैट फलाफल के प्लेटर्स हैं, मैंने अपना गायरो भी ट्राई किया है, और अब देखते हैं खाना हमारा रेडी है। बेसिकली खाना हमारा आ गया है, मैंने ऑर्डर किया था गायरो विद राइस और भैया ने ऑर्डर किया था आपका वेज खाती थी क्योंकि सैम भाई हमारा वेजिटेरियन है तो ये वेज का खाना पसंद करते हैं, और वेजिटेरियन होना बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है अमेरिका में क्योंकि जल्दी से मिलता नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ रहना है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले रहने वाले बंदे सर्वाइव नहीं कर सकते, क्यों भाई सर्वाइव नहीं कर पाएगा बंदा अकेला। ओके थैंक यू मैम, हाय टू गुड मॉर्निंग, सो वी आर चेकिंग आउट नाउ, ओके रूम नंबर 3, गुड मॉर्निंग।